भाई साहब, भाई साहब, गाड़ी का स्टार्टर खराब हो गया है, आप जरा धक्का लगा देंगे? चलो तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का लगा। अबे तू पहले गाड़ी चलाता था कि हाथ गाड़ी चलाता था? 24 घंटे में तुझे रखे 10 बार तो गाड़ी बंद पड़ चुकी है। अभी स्टार्ट हो जाएगी सर। स्टार्ट हो गई, लीजिए साहब आपकी गाड़ी। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट हो गई। अरे साला अपने चश्मे का नंबर बदल, अपन रमेश नहीं गंगू है गंगू। अरे चल चल, झूठ बोलता है तू रमेश जेल से भागा है। ए हवलदार, अरे हवलदार के किसी थानेदार को बुला, अपन किसी के बाप से डरता है क्या? क्या बात है सर? अरे ये जेल से भागा, पकड़ो उसको। साला फेंकता है, इसकी बुढ़ापे में खसा के लिए। अबे छोड़ो। अरे तुम देखते क्या, पकड़ो उसको यार। क्या रे, ये सच बोलता है क्या? अरे हवालदार साहब, ये झूठ बोल रहा है, या तो ये पागल है या तो फिर पियल है। अपन को कब से रमेश रमेश करके पुकार रहा है, और अपन इसको कितनी बार बोला, अपन रमेश नहीं गंगू है गंगू। अरे चल, कोई गंगू तेलगू नहीं है, झूठ बोलता है ये, रमेश जेल से भागा, पकड़ो। इधर लफड़ा नहीं मांगता है, चाकी चलो उधर चल के मालूम पड़ेगा कि तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, सब पता चल जाएगा। अरे गंगू तू आ गया, तू आ गया। मैं, अरे साला अपन तेरे को मिलने को जेल गया तो अपन को मालूम पड़ा कि तेरे को पहले छुट्टी मिल गया। ए छोकरी, तुम इसको जानता है? जानता है? तेरे को हवलदार का नौकरी किसने दिया रे? तेरा बीवी तेरे को जानता नहीं क्या? अपन इसका होने वाला वाइफ और ये अपन का होने वाला हस्बैंड है। अरे जूली, पहले तो इसको अच्छा आदमी तो बना, जिधर किसका खिसा पाकिट देखता है हाथ डाल देता है। साल में 6 महीना अंदर और 6 महीना बाहर, थोड़ा पकड़ में रख इसको। अरे आंटी, अपन तो इसको बहुत पकड़ के रखता है, मगर ये चिकना हंडी का माफिक हाथ से निकल जाता है। अभी अपन इसको नहीं छोड़ने वाला, रस्ते से बांध कर रखेगा। हाँ, अरे ऐसा आंख फाड़ फाड़ कर क्या देखता है रे बुड्ढे? अपन का ऊपर लाइन मारता है क्या? आंख निकाल कर हाथ में रख देगा, समझा? तू चल रे। साहब एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आप किसी अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, आपका आंख खराब हो गया है। अब के तेरे को छोड़ दिया तो फिर से अपन को तो मिलेगा क्या? चल चल बैठ, खाना खा। ऐसे बदलेला रहेगा तो जूली तेरे को एक दिन में 1000 पीस देगा। क्या कर रही है? क्या हो गया तेरे को? ये तो अपन का रोज का है, दारू बंद कर दिया समझे, चुम्मा बंद कर दिया तो। अरे कोई देख लेगा तो। ओ, समझ गया, तू अपन का पापा से डरता है ना? डरने हाँ। का कोई बात नहीं है। अरे वो बगीचे में गया है, शाम को लौटेगा। चल चल लिपट जा। क्या क्या हो गया? अरे मच्छी खाना भी भूल गया? तेरा माँ को मालूम पड़ेगा कि तू दारू छोड़ दिया तो वो कितना खुश हो जाएगा। सुनो भाई, ये जूली का मकान कहाँ है? वो सामने, वो बंगला। जी हाँ, वो बंगला है। खाना बहुत बढ़िया। गंगू। अब कौन साला मरने को आ गया है? कबाब में हड्डी। गंगू नहीं है, जाओ बाद में आना। गंगू। समझता नहीं है, कुत्ते का माफिक भोगता जा रहा है। एक मिनट जूली, आवाज जाना पहचाना लगता है, अपन देख कर आते हैं। ये तो रमेश है, जेल तोड़ कर भागा है, पकड़ो इसे। पुलिस कांस्टेबल कमिश्नर हाई कमिश्नर चीफ मिनिस्टर। अबे चलो सर, मैं भी इसे देख के धोखा खा गया था। सुन बे, तेरे को कितनी बार बोलने का कि आप रमेश नहीं है, तू समझता ही नहीं है। उधर रास्ते में कुत्ते के माफक भोग रहा था, और इधर भोगने के लिए दूसरा कुत्ता भी लेकर आया। ए जी, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। चुप है गधे की औलाद। क्या है तुम्हारी शक्ल रमेश से इतनी मिलती जुलती है कि देखो लाख मनाओ मगर मुंह से रमेश निकल ही आता है। तुमसे एक काम है, हमारे साथ चलोगे? चलो। अरे खैर रे, जाता है। देखो ये आज आया है, आज इसको नहीं जाने को देगा। चलो फूटो, कल आना। बुलाते चल दिया, चल अंदर। देवी जी क्या आप इनकी धर्म पत्नी है? अबे नहीं बे। अरे क्या बोला? मेरा मतलब है अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। क्या? कुछ नहीं, तुमसे खास बात करनी है। क्या? कुछ नहीं, राज की बात है। हाँ जूली, तुम यही ठहरो, आसामी तगड़ा लगता है, अभी पटा कर आता है। चलो चलो। अरे गंगू जल्दी आना, फिर अंदर मत हो जाना। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि निशा और ये है ना मेरा बेटा, इन दोनों की शादी हो जाए। किससे करवानी है? हाँ क्यों? अच्छा है,
ज्यादा बदसूरत नहीं है। थैंक यू, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं आज से शादी कर लेता। चुपचाप खड़ा रहे गधे की औलाद। गधे की औलाद के बाद करेक्ट शादी कब है? कल। उफ, अच्छा तो तुम चाहते हो क्या अपुन निशा के पास जाए और उसको रमेश बनकर डराए और उसको यकीन दिलाए कि अपुन ने यानी रमेश ने ही उसकी बाप की दौलत के लिए उससे प्यार किया था ताकि वो अपुन से नफरत करने लगे और तुमसे शादी करने को राजी हो जाए। बस बस इतना ही। एक मिनट, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा ये कि वो रमेश को ही अपने पिता का कातिल समझती है, इसलिए वो तुमको रमेश समझेगी और डर जाएगी और मेरी शादी राजी खुशी हो जाएगी और मेरा प्यार मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन क्या रमेश ने ही उसके बाप का खून किया था? हाँ हाँ। कुत्ते, बाजी, सुअर, हरामी। ये क्या? मैं तुम्हें नहीं रमेश को गालियां दे रहा था। करेक्ट। ऐसी एक्टिंग उस निशा के सामने करना ताकि उस कमीने को भूल जाए और इस कमीने से शादी कर ले। मैं कमीना, सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, अपन को रात को 10 बजे जगन्नाथ स्ट्रीट में 10 नंबर मकान में आने का, यही ना? मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम पूरब की तरफ से अंदर आ जाना। अबे पूरब क्या, अपन तो यूरोप से अंदर आने को तैयार है। पहले ये बताओ माल कितना मिलेगा? माल ये रखो। क्यों मैं भीख दे रहा है क्या? दो दो। अच्छा लो, काम होने पे डबल दूंगा, रख लो यार। मुझे किसी से प्यार हो गया। कमीने! ज्यादा चिल्लाई तो गर्दन काट कर गली में फेंक दूंगा। मामा मगर क्यों? ममला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तूने मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया। मामा प्यार तुमसे? मामा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जानती भी नहीं? जानती भी नहीं? 24 घंटे मेरी बाहों में ऐसे झूलती थी जैसे बंदर पेड़ की डाली पर झूलता है और अब कहती मैं तुझे जानती भी नहीं। मामा मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हें नहीं जानती। बच्चे की कसम? तो तेरा बच्चा भी है? एक है, एक। मुझसे कहती थी कि मैं कंवारी हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। अब पता चला कि तू एक हराम का बच्चा जन चुकी है। हे भगवान, कोई बचाओ, ये क्या क्या बोले जा रहा है? क्या क्या बोले जा रहा है? कमीनी, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा। ओ जहरीली काली नागिन, मेरा मतलब है जहरीली गोरी नागिन, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे चाकू मत मारो। क्या मन बोल? कुछ भी नहीं। अच्छा, हो ही नहीं सकता। बोल क्या कर रहा? मैंने तुमको इसको डराने को थोड़ी बोला था यार। अच्छा अच्छा, तो ये वो नहीं है? नहीं। अरे तुमने कहा वो खूबसूरत है तो मैं ऐसे ही वो समझ बैठा। वैसे माल अच्छा है। क्या कर? तो ये मेरी बीवी है। मुबारक हो। किस बात की? मेरी खूबसूरत बीवी मिलने पर। वैसे ये तुम्हारी अपनी है, भगा कर लाया? अरे ये खूबसूरत मेरी बीवी है, हजार मरतबा कहा है, दिन भर बनाओ सिंगार मत किया कर, कुछ दिन जवान समझ को कोई लौंडा उठा के ले गया तो। और यार तुमको कहा था पूरब के दरवाजे से आना, यहाँ क्या करो? अपन इसी को पूरब समझा। क्या आदमी है, पूरब का दरवाजा ऊपर है, ऊपर जाओ। और ठहरो, तुमको देखकर डर लग रहा है, तुमके सचमुच का खून मत कर देना। तुम बोलेगा तो मार देगा, अब उनको क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डराना। और मेरे बाप वहाँ जाके इंजीनियर की तरह बर्ताव करना। सिर्फ बर्ताव करना या कुछ? नहीं 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 नहीं, सिर्फ बर्ताव करना और देखो जरा दूर से बात करना, हाथ मत लगाना। अब मुझे उसे शादी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, शादी। वैसे माफ करना देवी जी, यकीन नहीं आता कि आप शादीशुदा हैं। कसम से। क्या कर रहे हो? चलो, बड़ा चालू आदमी है, मेरी माँ पे लाइन मार रहा है। तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझसे प्रेम का ढोंग किया और जब जी भर गया तो मुझे को फंसा दिया। कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे खून से तेरी घर की दीवारें रंग दूंगा। तुम मुझे गाली दो, गाली दो। कातिल, बेईमान, खूनी, मेरे पिता के खून में हाथ रंगने के बाद मुझसे प्रेम की तमन्ना रखता है। मेरे बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। हाँ, जेल से होकर आया हूँ, अब तेरा खून करके मैं तेरी लाश को गटर में फेंककर वापस चला जाऊंगा। देखो मैं कहती हूँ, आगे मत बढ़ो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि मैं एक ही झटके में तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घबराओ मत, मैं उनके प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उनके बीच में से तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। सच? हाँ निशा, मैं चलता हूँ। रमेश आया था। क्या?
गया। जोरी, गद्दार कुत्ती कमीनी, मैं गला घुस जाएगा। ऐसे गालियां देकर चोर से मेरा गला दबा दिया। मेरे गला दबा दिया? देखो ना, निशान पड़ गए। अरे बेचारी, अरे उसके हाथ टूटे भगवान करे। निशा जी, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको उसके हाथ और पैर बांध के रखने चाहिए थे। बाद में मेरे माता पिता आकर उसे इतना डांटते कि वो बेचारा रोने लगता। गधे की औलाद, जबान हिलाने से पहले भेजा खुजा तो लिया कर। अबे क्या बोलता तू? जाने दीजिए पापा जी, आज मुझे पता चला कि वही मेरे पिताजी का असल कातिल है और दौलत के लिए उसे प्यार का ढोंग कर रहा था। मैं रंजीत जी से शादी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी कि झटके में मेरा शेर ढेर हो गया। उठ मेरे शेर, उठ बेटा। निशा, निशा, निशा माय वुड बी वाइफ। आई गधे की औलाद, लड़की से मार खा के पंखे की तरह घूम रहा है। ओंकारम इंदु साइजोत्तम नित्यं व्याजयन्ति योगिना कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकारा नमो नमः। पंडित जी, ये घर का घी है, महंगा है, संभाल के डालिए, नहीं तो लगन के बाद लकड़ियां निचोड़ के सब वापस निकालना पड़ेगा। गधे के लग कन्या को बुलाइए। पंडित जी, मैं जाऊं बुलाने? माँ मुझे आंख मत दिखाओ, नहीं तो शादी के बाद में तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओम इंद्रो वृद शर्वाहा स्वस्ति न निशा बेटी, निशा, अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही है ना? कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। आओ बेटी, मुहूर्त का समय बिता जा रहा है, शर्मा क्यों रही हो, चलो ना। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आना। अभी आती हूँ। सुनिए, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। पता नहीं। अजी सुनते हो? हटो, भी तो रास्ते में खड़े हो। अजी सुनते हो, हम बर्बाद हो गए। निशा हमारा मुंह काला करके भाग गई। भाग गई? अब ये मंगलसूत्र मैं किसके गले में पहनाऊंगा? मामा जी, मेरा नाम भी निशा है, मुझसे शादी कर लो ना। हाँ ये ठीक है। आई को देखिए लग। रमेश, तू मेरे बेटे ऐसे अच्छा, ये लड़की कौन है? ये निशा है माँ, मेरे मालिक की बेटी, बहुत नेक और शरीफ लड़की है। तुझे जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी। भगवान इसे नजरे बद से बचाए। कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा। लेकिन तू बड़ा जल्दबाज है, शादी की नहीं और दुल्हन का जोड़ा पहनाकर इसे पहले ही ले आया। क्या करता माँ, इसके मामा इसकी शादी जबरदस्ती अपने लड़के से करवा रहे थे। मैं मौके पर पहुंच गया और इसे बचा लिया और शादी के मंडल सीधा यहाँ ले आया। हाय राम, तब तो वो लोग इसकी तलाश में यहाँ जरूर आएंगे। आओ बेटी, अंदर आओ।